अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ तकरीबन 20 से 25 साल पहले के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम जाया करते थे और नाश्ता किया करते थे। मौसम बहुत अच्छा था, सुबह सुबह पहले हल्की बारिश स्टार्ट हुई और फिर वो बारिश तेज हो गई, तो हमने सोचा कि उन्हें बारिश को इन्जॉय किया जाए। तो इसके लिए हमने रुख किया कमर्शियल मार्केट का, और कमर्शियल मार्केट की जो फेमस जगह है वो है रिफ्रेशमेंट सेंटर। पहले ही बहुत छोटा हुआ करता था और यहाँ पर सिर्फ हलवा पूरी चने मिलते थे, लेकिन अब साथ साथ इन्होंने एक दो सेट बना लिए हैं और अंदर सीटिंग अरेंजमेंट भी है, काफ़ी बड़ा सा फैमिली हॉल भी है। और ये आप देख सकते हैं दो शॉप्स इनकी बड़ी बड़ी साथ साथ हैं, और हलवा पूरी चना के अलावा इन्होंने बहुत सारी और चीज़ें भी रख ली हैं स्नैक्स टाइप की, जिसको ये शाम में भी सर्व करते हैं। लेकिन इनका जो हलवा है उसकी तो क्या ही बात है, तो हमने सोचा कि आज हम यहाँ पर जाके नाश्ता करें, वरना गर्मी के मौसम में किसी का इतना हैवी नाश्ता करने का तो दिल नहीं जा रहा होता। तो यहाँ पर हम बैठने के लिए जा रहे हैं, और सुबह सुबह का टाइम था, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, और इस वक्त लोगों का रश भी कम था, लेकिन बाद में काफ़ी रश हो गया था क्योंकि इसी मौसम को एंजॉय करने के लिए और भी बहुत से लोग आ गए थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर हमने क्या ट्राई किया। ट्राई तो खैर बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जनाब हम साथ साथ मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, बारिश थोड़ी सी हल्की हुई, और ये आप देख सकते हैं सर गली के दोनों तरफ में इनका सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूड़ियाँ तली जा रही हैं यहाँ पर, गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं, ये आप देख सकते हैं। एक भाई साहब जो हैं वो इस तरीके से पूड़ियाँ डाल रहे हैं ऑयल में, और दूसरे जो हैं वो उनको निकाल रहे हैं, और जो तीसरे हैं वो सर्विंग कर रहे हैं। तो इस तरह से गर्मा गर्म पूड़ियाँ और मज़ेदार से चने और स्पेशल हलवे के साथ सर्व की जाती हैं यहाँ पर। ये सारे पार्सल्स वगैरह पैक होते हैं। इनका हलवा बहुत ही ज़बरदस्त है, चनों का टेस्ट अब पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन हलवे का टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो जो भी यहाँ पर आता है उसको ये ज़रूर इनका ट्राई करना चाहिए। और जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता है, वैसे तो अगर हम घर में खाएं तो एक ही पूरी खाई जाती है, लेकिन गर्मा गर्म हो तो फिर दो पूरियां भी खा ली जाती हैं। तो इसी तरह ये नाश्ता हमने इंजॉय किया बारिश के अच्छे से मौसम में। इस मज़ेदार से नाश्ते को हमने काफ़ी इंजॉय किया, और इसके बाद हमने थोड़ी देर वेट किया कि शायद बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश जो थी वो थमने का नाम नहीं दे रही थी, तो हमने फिर इसी तरह जाने का फ़ैसला किया। तो ये बिल्कुल कमर्शियल मार्केट का जो मेन पार्क है उसके सामने है, यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।